मेरा नाम अवनी अग्रवाल है और मैं फैकल्टी हूँ एट इम्प एक्सपर्ट। इम्प एक्सपर्ट इज़ द वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर्स जिसको अपना खुद का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट बिजनेस शुरू करना है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि हम आज डिस्कस करने वाले रोल ऑफ कस्टम हाउस एजेंट। कस्टम हाउस एजेंट क्या होता है, कैसे ढूंढना चाहिए, वो हमें कैसे सपोर्ट करता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ये सब के सवाल आज के वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक फॉर द वीडियो, मैं आपको बताना चाहूँगी इंप एक्सपर्ट भी एक CHA की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दे आर 38 ईयर्स ओल्ड CHA ग्रुप। केटी देसाई एंड अंबिका कार्गो आर द रिनाउंड कस्टम हाउस एजेंट इन इंडिया। एवरी ईयर दे आर हैंडलिंग 1,000 crore प्लस कार्गो इन इंडिया फॉर एयर एंड शिप। आप ये ग्रुप्स का भी सपोर्ट ले सकते हो फॉर योर कार्गो हैंडलिंग प्रोसेस। चलो डिस्कस करते हैं कस्टम हाउस एजेंट क्या होता है। हम सबको पता है, कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए कस्टम हाउस एजेंट तो चाहिए। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमें पूछते हैं कि हम खुद क्लियरेंस नहीं कर सकते, हमें CHA की क्यों ज़रूरत है। नो, वी कैनॉट डू दैट। हमें उसके लिए एक एजेंट CHA को हायर करना ही पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझा सकूँ तो कस्टम हाउस एजेंट एक एजेंट होता है, वो एक्सपोर्टर के लिए एक्सपोर्ट क्लियरेंस की प्रोसीजर करता है, जो कस्टम्स डिपार्टमेंट में ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट शोकेस करता है और एक्सपोर्ट क्लियरेंस करता है। इन केस ऑफ इम्पोर्ट बिजनेस, जब कोई गुड्स को इंडियन बाउंड्री में एंट्री करना है तब भी इम्पोर्टर को एक CHA हायर करना पड़ेगा। वो CHA इम्पोर्ट क्लियरेंस की सहायता करता है एक्सपोर्टर को। तो एक्सपोर्टर्स को जब गुड्स एक्सपोर्ट करना है तब CHA चाहिए, और इम्पोर्टर को गुड्स जब इम्पोर्ट करना है तब CHA चाहिए। तो आज के वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट ए, रोल ऑफ CHA फॉर एक्सपोर्टर्स, रोल ऑफ CHA फॉर इम्पोर्टर्स। रोल ऑफ CHA फॉर एक्सपोर्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला एक्सपोर्टर अपने कंसाइनमेंट के लिए फ्रेट की इंक्वायरी करेगा थ्रू दी CHA। फ्रेट कौन सा फ्रेट, इट कुड बी एयर फ्रेट और इट कुड बी ओशन फ्रेट। ये दोनों फ्रेट जब भी आपको शिपमेंट करना है बाय सी और एयर, आपको CHA के पास से एयर फ्रेट लेना पड़ेगा, जो CHA आपको एयर फ्रेट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एक्सपोर्टर एक कंसाइनमेंट का पर्टिकुलर स्टफिंग डेट डिसाइड करके CHA को बताएगा। CHA उस डे पे खाली कंटेनर को, अगर एक्सपोर्टर के पास फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन है तो एक्सपोर्टर की फैक्ट्री पे कंटेनर को भेजेगा। इन केस ऑफ एयर कार्गो, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से CHA एयर कार्गो पिक करके एयरपोर्ट तक ले जाएगा। दूसरा वर्क जो CHA ने किया वो है ट्रांसपोर्टेशन का, राइट। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ मूवमेंट्स फ्रॉम कंटेनर फ्रॉम फैक्ट्री टू ICD। जैसे ही स्टफिंग होगा फैक्ट्री में, कंटेनर या शिपमेंट या कंसाइनमेंट को फैक्ट्री से ICD ले जाना पड़ेगा। ICD इज इनलैंड कंटेनर डेपो। ये एक ड्राई पोर्ट होता है जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर होती है, जो आपका CHA, दैट मीन्स एक्सपोर्टर का CHA करवाता है। एक्सपोर्टर का CHA ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर कस्टम्स डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट शो करेगा और शिपिंग बिल फाइल करेगा फॉर एक्सपोर्टर। जैसे ये प्रोसीजर ख़त्म हो गई, ICD से गुड्स को रिमूव किया जाएगा टिल पोर्ट ऑफ लोडिंग। अब जैसा हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो सकते हैं। ICD से पोर्ट ऑफ लोडिंग भेजने के लिए रेल और रोड की सहायता ले जा सकती है। एक्सपोर्टर इंस्ट्रक्शन देगा CHA को फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम ICD टू पोर्ट ऑफ लोडिंग। जैसे ही गुड्स पोर्ट ऑफ लोडिंग पे आ गया, इम्पोर्टर के एम्प्लॉयज़
एक्सपोर्टर के एम्प्लॉयज़ के CHA वहाँ पे ऑलरेडी होंगे जो कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर पोर्ट पे करवा के कंटेनर को शिपिंग लाइन को हैंड ओवर करेंगे। जिस दिन एक्सपोर्टर ने फ्रेट की इंक्वायरी की थी उसी दिन एक्सपोर्टर को CHA ने एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी थी शेड्यूल की। कौन सा शेड्यूल? वेसल का शेड्यूल, द डे ऑन विच वेसल विल सेल, द डे ऑन विच वेसल विल लीव द कंट्री। और वो शेड्यूल से पहले एक्सपोर्टर का कंसाइनमेंट पोर्ट ऑफ लोडिंग पे पहुंच जाना चाहिए। सो CHA ने कंटेनर को पोर्ट ऑफ लोडिंग पे डिस्पैच कर दिया और कंटेनर को जैसे ही वेसल आती है वेसल के ऊपर लोड करवा दिया। एज सुन एज वेसल विल लीव द कंट्री एक्सपोर्टर को बिल ऑफ लेडिंग मिलेगी जो CHA लाके देता है फ्रॉम शिपिंग लाइन। 3 ओरिजिनल कॉपीज ऑफ बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर को मिलेगी और यहाँ पे एक्सपोर्टर के लिए CHA का रोल ख़त्म होता है। इसके अलावा CHA और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है लाइक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर आपको लेना है CHA सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको अगर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेना है CHA उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आपको फ्यूमिगेशन करवाना है आपके कंटेनर का तो पेस्ट कंट्रोल एजेंसीज के डिटेल भी आपका CHA आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये सब अलग अलग एक्स्ट्रा सर्विसेज CHA प्रोवाइड करता है और उसके एक्सचेंज में CHA अपना सर्विस कॉस्ट रिसीव करता है फ्रॉम एक्सपोर्टर। ये बात हो गई CHA का रोल इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब चलो बात करते हैं CHA का रोल इन इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट के लिए भी CHA चाहिए होगा। जब भी इंडियन बाउंड्री में कोई भी गुड्स आता है कस्टम्स वाले खड़े ही रहते हैं, कौन सी कंट्री से गुड्स लाए, कितना गुड्स लाए, कौन सी वैल्यू का गुड्स लाए, वो गुड्स का इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। अब जो भी प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया वो प्रोडक्ट के HSN नंबर के हिसाब से इंपोर्टर को इंपोर्ट ड्यूटी पे करना है। वो इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की इंफॉर्मेशन भी CHA इंपोर्टर को देगा। कौन सा CHA? इंपोर्टर CHA। अब जो सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को कुरियर किए थे वो सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर अपने CHA को हैंड ओवर करेगा। वो डॉक्यूमेंट्स लेके इंपोर्टर का CHA कस्टम्स डिपार्टमेंट में जाएगा इंपोर्टिंग कंट्री के कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास और वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर शुरू होगी। इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कस्टम्स को रूल्स एंड रेगुलेशन CHA को अच्छे से पता होता है तो CHA उसमें भी इंपोर्टर को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही कस्टम क्लियरेंस हो गया एट द पोर्ट, सी पोर्ट और एयरपोर्ट, उसकी प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद इंपोर्टर का CHA को डिलीवरी ऑफ कार्गो मिल जाएगा। ये जो प्रोसीजर है इंपोर्ट क्लियरेंस की वो सी पोर्ट पे भी हो सकती है और ड्राई पोर्ट दैट इज़ ICD जो होता है जो अलग अलग स्टेट के होते हैं वहाँ पे भी इंपोर्ट क्लियरेंस की प्रोसीजर हो सकती है। ये कॉल इंपोर्टर को लेना है कि उसको इंपोर्ट क्लियरेंस की प्रोसीजर पोर्ट पे करवानी है या ICD पे करवानी। इंपोर्ट क्लियरेंस के बाद इंपोर्टर का CHA फाइनल इंपोर्टर के वेयरहाउस या फैक्ट्री तक गुड्स का मूवमेंट करेगा। अगेन यहाँ पर रेल और रोड दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। ये इंपोर्टर को कॉल लेना है, इंपोर्टर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है कि ये शिपमेंट उनको बाय रोड मूव करना है और बाय रेल मूव करना है। अल्टीमेटली फाइनली CHA ही एक बंदा है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्लियरेंस की प्रोसीजर करता है। उनका काम वो बहुत ही अच्छे से करता है बट आप सबको पता होना चाहिए कि उनसे क्या काम करवाना है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉलो अप करना है विद देयर CHA। ये CHA 24/7 अवेलेबल होते हैं क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है जब अपने सो जाते हैं तब कुछ कंट्रीज में इंपोर्टर्स की सुबह होती है तो जब क्वेरीज आते हैं इंपोर्टिंग कंट्री में से कंसाइनमेंट का क्या स्टेटस है, कंटेनर कहाँ पे रुका है, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको CHA से हेल्प लेनी पड़ेगी। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो जहाँ पे हमने आपको रोल ऑफ CHA बहुत डिटेल में समझाया। आपको पता होना चाहिए कि CHA से क्या क्या काम करवाना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में यूज़ होते हैं।
हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। हम आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। Please like this video, share this video among the communities, with your friends, with your relatives, जिसको import-export business शुरू करना है. And do comment below this video for any queries related to import-export business. Thank you all of you.